जब आकाश में हुई जोरदार गर्जना तो 11000 केवी बिजली का तार टूटकर बस पर गिरा। भानु प्रताप में रविवार 29 सितंबर की रात मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी। इस दौरान जब आकाश में जोरदार गर्जना हुई तो बस स्टैंड में खड़ी बस के ऊपर 11000 केवी बिजली का तार टूटकर गिर गया। इस घटना के बाद बस में आग लग गई, लेकिन जब तक बुझ पाता वह पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। आग की लपटें दुर्गा पंडाल की ओर बढ़ने लगी। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन गाड़ी नहीं पहुंच पाई क्योंकि पता चला गाड़ी खराब है। वहीं आग बुझाने के दौरान दो व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। भानु प्रताप SDOP का कहना है कि घायलों की स्थिति सामान्य है, किसी तरह की कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुई है। वहीं उन्होंने दुर्गा पंडाल में भी आगजनी से इनकार करते हुए कहा कि दुर्गा पंडाल भी सुरक्षित है, आग की लपटें वहां तक नहीं पहुंची है। फिलहाल वहां तक हालत नियंत्रित है, आग को बुझा लिया गया है।